यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं विंड टरबाइन पावर। विंड टरबाइन पावर क्या होती है? जो विंड टरबाइन पावर दी जाती है वो किसे हम देते हैं? विंड टरबाइन पावर देते हैं हाफ रो ए बी की क्यूब। तो ये विंड टरबाइन वर्क बाय द कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड फर्स्ट इनटू द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन द टरबाइन देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द विंड पावर अवेलेबल फॉर द कन्वर्जन मेनली डिपेंड ऑन द विंड स्पीड एंड द स्विफ्ट एरिया ऑफ द टरबाइन। सो वेयर इसमें रो है, ये रो वाला, ये क्या है? एयर डेंसिटी है, ये है स्विफ्ट एरिया। तो स्विफ्ट एरिया किस तरीके से निकला जाता है? स्विफ्ट एरिया इस तरीके से निकला जाता है, जैसे कि विंड टरबाइन है इसमें जो ब्लेड होती है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से ब्लेड होंगे। तो ये वाला जो एरिया है ये स्विफ्ट एरिया कहलाता है। ये इसको किस तरीके से कहता है? पाई आर स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, विंड टरबाइन, नो विंड टरबाइन कैन कन्वर्ट मोर देन 60/27 यानी 59.3% एफिशिएंसी से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता है। तो ये है बोल्ट्ज लिमिट है, इसको क्या कहते हैं? बोल्ट्ज लिमिट, यानी इससे ज़्यादा ये कन्वर्ट नहीं करेगा जो हमने देखा था। द थ्योरेटिकली मैक्सिमम पावर एफिशिएंसी ऑफ एनी डिजाइन ऑफ विंड टरबाइन, जो थ्योरेटिकल एफिशिएंसी है वो 0.59 ही है। नो मोर देन 59% ऑफ द एनर्जी कैरीड बाई द विंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाई द विंड टरबाइन। द विंड टरबाइन कैन नॉट ऑपरेट एट द मैक्सिमम लिमिट। द पावर कोएफिशिएंट सी पी नीडेड टू द फैक्टराइड इन इक्वेशन एंड द एक्सट्रैक्टेबल पावर फ्रॉम द विंड इज गिवन बाई। तो विंड के द्वारा जो एक्सट्रैक्टेबल पावर किस तरह दी जाएगी? पी इक्वल टू हाफ सी पी। तो ये विंड पावर कोएफिशिएंट है, यानी पावर कोएफिशिएंट है सी पी रो ए बी के क्यूब। तो सी पी की वैल्यू क्या होती है? 0.4 होती है। तो पावर कोएफिशिएंट ऑफ 0.4 होगा, इसकी वजह से जो फुल एफिशिएंसी हमारे पास में 59% एफिशिएंसी भी हमारे पास में यहाँ पर नहीं आती, ऐसे कमी हमारे पास में एफिशिएंसी आती है। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें ब्लेड लेंथ दे रखी है 52 मीटर, विंड स्पीड दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड, यानी बी दे रखा है 12 मीटर पर सेकेंड और ब्लेड लेंथ दे रखी है 52 मीटर। ब्लेड लेंथ 52 मीटर दे रखी है और एयर डेंसिटी दे रखी है, रो की वैल्यू दे रखी है 1.23 kg/m³। पावर कोएफिशिएंट दे रखा है, सीपी की वैल्यू दे रखी है 0.4। कैलकुलेट द पावर कन्वर्टेड फ्रॉम द विंड इनटू रोटेशनल एनर्जी इन द टरबाइन। तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, यानी विंड से रोटेशनल एनर्जी में कितनी पावर कैलकुलेट होगी। तो एरिया हमें निकालना होगा, एरिया के लिए क्या निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से हम निकालते हैं 3.14 इंटू आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो 52 का हाफ। तो आर क्या आ जाएगी? 52 आ जाएगी, क्योंकि ये वाला एरिया 52 लेंथ 52 दे रखी है, तो 52 का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू आएगी 8495 m². ये तो हमारा एरिया आ गया है। तो अवेलेबल पावर हम डायरेक्ट इसे निकाल लेते हैं फार्मूले से। अवेलेबल पावर में इस फार्मूले में हम इसको अप्लाई करके अवेलेबल पावर यहाँ पर निकाल लेंगे। उसके बाद में देखते हैं पावर कोएफिशिएंट, जो सीपी है ईस्ट टरबाइन में सीपी की वैल्यू है, पावर कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो यूनिक होती है एंड इज द फंक्शन ऑफ विंड स्पीड एंड द टरबाइन इज ऑपरेटिंग इन रियल वर्ल्ड। द वैल्यू ऑफ सी पी इज वेल बिलो इन द बोल्ट लिमिट। तो हमें रियल वर्ल्ड में हम देखें तो सी पी की जो वैल्यू है हमेशा 0.59 से कमी होगी। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ बेरी करेगी? वैल्यू सी पी की वैल्यू बेरी करती है 0.35 से 0.45 के बीच में, ये वैल्यू बेरी करती है। बेस्ट डिजाइन विंड टरबाइन में ये वैल्यू यहाँ पर ही बेरी करेगी। इफ वी टेक अकाउंट द कंसिडरेशन एंड कम्प्लीट विंड टरबाइन सिस्टम गियर बॉक्स बियरिंग जनरेटर only 10-30% of power of the wind actually converted into the usable electricity।
तो सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं तो 10-30% पावर है विंड की वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती है। द पावर कोफिशिएंट सीपी डिफाइंड एज द पावर एक्सट्रैक्टेड बाय रोटर टू द पावर अवेलेबल इन द विंड इज गिवन बाय। तो सीपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सीपी की वैल्यू निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास में, यानी पावर कोफिशिएंट निकालने का जो फार्मूला है वो है पी डिवाइड बाई हाफ रो ए बी की क्यूब, यानी कि पावर एक्सट्रैक्टेड बाय रोटर, पावर एक्सट्रैक्टेड बाय रोटर डिवाइड बाय पावर अवेलेबल इन द विंड, पावर अवेलेबल इन द विंड, इससे हम निकालते हैं। तो पावर कोएफिशिएंट डिफाइंड एज द एक्सट्रैक्टेड पावर ओवर द टोटल अवेलेबल पावर कैन बी सिमिलरली डिफाइंड इन द टर्म ऑफ एक्सियल इंडक्शन फैक्टर। तो एक्सियल इंडक्शन फैक्टर टर्म के रूप में भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक्सियल इंडक्शन फैक्टर। तो एक्सियल इंडक्शन फैक्टर के रूप में किस तरीके से डिनोट करेंगे, 4a1 - a2, इससे हम पावर कोएफिशिएंट देते हैं। तो ए है यहाँ पर एक्सियल इंडक्शन फैक्टर ए। उसके बाद में हम देखते हैं जो एमपीपीटी एल्गोरिथम है वो क्या कहती है, क्योंकि एमपीपीटी एल्गोरिथम विंड पावर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आती है। एमपीपीटी एल्गोरिथम मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एल्गोरिथम। तो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एल्गोरिथम है, इसमें क्या करते हैं, डायरेक्टली एडजस्टिंग द डीसी-डीसी कन्वर्टर ड्यूटी सर्किल अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ सक्सेसिव विंड पावर मेजरमेंट। ऑल्सो द विंड स्पीड वेरीज हायर विथ टाइम, द पावर एब्जॉर्ब्ड बाय विंड वेरीज रिलेटिवली स्लोली, एंड बिकॉज ऑफ द स्लो डायनेमिक रिस्पॉन्स ऑफ द इंटरकनेक्टेड विंड टर्बाइन एंड जनरेटर सिस्टम, सच द प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमाइजिंग विंड पावर का आउटपुट यूजिंग द कन्वर्टर ड्यूटी सर्किल एज कंट्रोल वेरिएबली कैन बी एफिशिएंटली एंड सॉल्वड यूजिंग द स्टीपेस्ट एडजस्टमेंट मेथड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंट्रोल लॉ। तो स्टीपेस्ट यहाँ पर स्टीपेस्ट एडजस्ट मेथड से, एसेंट मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो ड्यूटी साइकिल है वो दी जाएगी डी के इक्वल टू डी के माइनस वन प्लस सी वन डेल टी के माइनस वन डिवाइड बाई डेल डी के माइनस वन। इससे ड्यूटी साइकिल यहाँ पर चेंज की जाती है। और मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग किस तरीके से ली जाएगी, तो के और के माइनस बीच के बीच में ये ड्यूटी साइकिल है, इसके बीच में वैल्यू है डी की और ड्यूटी साइकिल टी के माइनस वन में। तो पावर ग्रेडियंट है स्टेप के माइनस वन एंड जी वन इज दी स्टेप चेंज। तो डी पी और डी रो की जो वैल्यू है यहाँ पर जीरो होनी चाहिए पावर प्रोडक्शन के लिए, यानी डी पी और डी रो की वैल्यू जीरो होनी चाहिए अगर हमें मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग निकालना है। तो इसको हम चैन रूल से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और चैन रूल से सॉल्व करने के बाद मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग है उसमें बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर और बक कन्वर्टर, फ्लाईबैक कन्वर्टर भी हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसमें एक सिस्टम यूज किया जाता है, यानी ये कॉन्सेप्ट है ये यूज किया जाता है। इसमें क्या होगा, जैसे कि विंड जनरेटर स्पीड और विंड जनरेटर आउटपुट पावर हम देते हैं यहाँ पर। तो ये है विंड जनरेटर स्पीड जिसे ओम में डिनोट किया हुआ है, और ये विंड जनरेटर आउटपुट पावर है, विंड जनरेटर आउटपुट पावर इसको डिनोट किया हुआ है पी मैक्सिमम से। अब इससे हम जो पावर लेते हैं, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी डोनेशन जो करता है या रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं, तो ये स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में बताएगा यहाँ पर, स्टेडी स्टेट ऑपरेशन यहाँ पर ये बताएगा हाई स्पीड की कंडीशन में क्या हो रहा है, और यहाँ पर बता रहा है लो स्पीड की कंडीशन में क्या हो रहा है। लो स्पीड की कंडीशन में क्या होगा, जो डी पी बाई डी डी की वैल्यू है, डी पी बाई डी डी इसकी वैल्यू लेस देन जीरो होगी यहाँ पर इस कंडीशन में। इस पॉइंट पर डी पी बाई डी डी की वैल्यू है वो इक्वल टू जीरो होगी, और यहाँ पर डी पी बाई डी डी की वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरीके से यहाँ पर इस जगह पर, यानी इस पॉइंट के इधर हाई स्पीड की साइड डी डी बाई डी डब्ल्यू जी है वो ग्रेटर देन
डी डब्ल्यू जी बाई डी ओम है, डी डब्ल्यू जी बाई डी ओम है, ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ पर होगा डी डब्ल्यू जी बाई डी ओम है, ये लेस देन जीरो होगा लो स्पीड की कंडीशन में, और डी पी बाई डी ओम है यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो होगा, यहाँ पर डी पी बाई डी ओम लेस देन जीरो होगा, यहाँ ग्रेटर देन जीरो होगा, और यहाँ पर डी पी बाई डी ओम है ये लेस देन जीरो होगा। तो इस तरीके से ये डिनोट की जाएगी। इसे हम बोलते हैं पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पर बताते हैं ये वाले जो पॉइंट हैं ये पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट कहलाएंगे, यानी ये वाले जो पॉइंट हैं, इधर वाला पॉइंट है, इधर वाला पॉइंट है, ये कहलाएंगे पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट, पॉसिबल स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन किया जाता है।